जैसा कि अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आउट हुआ है और आज पूरे जनपद में एक अलग ही माहौल देखा जा सकता है जो बच्चे इस परीक्षा को पास किए हैं। इसी क्रम में हम आज भदोही के नई बाजार में उपस्थित हैं, जहां से आकर्ष जायसवाल ने जेई एडवांस की परीक्षा अच्छे अंक से प्राप्त करके पूरे जनपद का नाम बढ़ाया है। आपको बता दें, आकर्ष जायसवाल जो है ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल भदोही के छात्र है और आप देख सकते हैं तमाम इनके टीचर्स भी आए हुए हैं जो कि इनको शुभकामना देने के लिए। लगातार जैसे ही यह सूचना मिली कि आकर्ष ने इतना बड़ा कार्य किया है, पूरे जनपद का नाम रोशन किया है, तो लोगों का तांता लगा हुआ है मिठाई खिलाने के लिए। आपको बता दें, ऑल इंडिया रैंकिंग में 7660 है इनका रैंक और ओबीसी वर्ग में अगर बात कर ले तो 1603 आया हुआ है। आइए सीधा जुड़ते हैं आकर्ष से। स्वागत है आकर्ष, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे रिजल्ट के परिणाम को लेकर के, क्या कहेंगे जो जे एडवांस का आया है? थैंक यू। स्टार्टिंग से ही क्लास 11 से थोड़ा स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, इसका ऑनलाइन स्टार्ट किए थे, स्कूल चल रहा था साथ साथ साइड में ऑनलाइन चालू था ये। और ये स्टार्टिंग के मतलब जून में जैसे स्टार्ट हुआ था ये, तो स्टार्टिंग के 1.5 साल काफ़ी किए थे, उसके बाद लास्ट के 6 महीने काफ़ी मतलब स्लो ही था प्रिपरेशन, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे। उसके बाद ये आया तो पहले मार्क्स देखे थोड़ा लग रहा था कि और अच्छा रैंक आएगा, लेकिन इस बार थोड़ा रैंक का बढ़ रहा है लोगों का सेम मार्क्स के लिए। लेकिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये भी मैंने देखा, हम लोगों ने सुना कि पहले ही अटेम्प्ट में आपने इतनी बड़ी कामयाबी अर्जित की। हाँ, स्कूल के साथ चलता था क्लासेस जी। अभी आपका 12th था जिसमें 94% आपने प्राप्त किया। हाँ, ग्रीन व्यू से ही। हाँ, तो आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपका शेड्यूल क्या रहा, कितने घंटे आपने पढ़ाई के लिए दिया? स्कूल खत्म हुआ उसके बाद, स्कूल के बाद ये सीधे शाम को ऑनलाइन क्लासेस रहती थी, फिर रात को थोड़ा बाकी स्कूल का या और ये ऑनलाइन वाले का होमवर्क जी। आपके टीचर्स का, आपके स्कूल का कितना सहयोग रहा आपके स्टडी को लेकर? सही रहा, कभी कभी थोड़ा बैलेंस करने के लिए लीव मांगते थे तो लीव दे देते थे, और हाँ सपोर्टिव थे इसके लिए जी। पापा मम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना पेरेंट्स का योगदान रहा आपके स्टडी में? उनका काफ़ी सही मतलब योगदान था, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालते थे किसी चीज़ को लेके, और मतलब सपोर्ट करते थे कोई भी चीज़ करने के लिए। तो आकर्ष को आपने सुना, ये सीधा इनके पापा से जुड़ते हैं। जी सर, ढेर सारी शुभकामना, आपके बच्चे ने इतना बड़ा रैंक हासिल किया जो कि पूरे भारत लेवल पे होता है, एक परसेंट ऐसे बच्चे जो ऐसा तो कर पाते हैं, तो ढेर सारी शुभकामना। क्या कहना चाहेंगे आकर्ष को लेकर के, कैसे इन्होंने स्टडी किया और घर पे कितना समय मोबाइल वोबाइल देखने में, जैसे आमतौर पर आज के बच्चे देखे जाते हैं, इनका कैसा जीवनचर्या रहा? इनका था स्कूल से आके अपना थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद अपना पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, रात को 2-2 बजे तक 4-4 बजे तक अपना ये स्टडी करते थे जी। उसके बाद लगातार पढ़ाई में ही ध्यान देते थे। क्या ये आपको एक्सपेक्टेशन था कि आकर्ष जो इतना अच्छा अंक लाने जा रहे हैं या इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं? नहीं, तो ये तो उम्मीद था कि कुछ तो करेगा जी। तो जी आप समझ सकते हैं कितनी खुशी की बात होती है पिता के लिए अगर उसका लड़का उनका मतलब नाम रोशन करता है। तो आकर्ष आगे क्या प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहेंगे आगे? अभी देखेंगे सीएससी ब्रांच के लिए किसी आईआईटी या एनआईटी से इंजीनियरिंग में जी। आइए और भी टीचर्स हैं जो ग्रीन व्यू से आए हैं डायरेक्ट आकर्ष को शुभकामना देने के लिए, उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले रामराज यादव जी जो कि स्पोर्ट्स के टीचर हैं वहां पे, लगातार इनके द्वारा हजारों हजारों के बच्चे जो हैं आज स्पोर्ट्स कोटे में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। जी सर स्वागत है। थैंक यू सर। सर जैसे हम लोग जानते हैं कि पूत के पैर पालने में पता चल जाते हैं, तो शुरू से स्कूल में ये अनुशासित रहते थे और देख के लगता था, जैसे जब रिजल्ट आया तो हम टीचर बात कर रहे थे तो पहले ही लग रहा था ये बच्चा सबसे ऊपर होगा, तो इन्होंने हमारे भरोसे और उम्मीद पे हमेशा लगभग मतलब ये हमेशा खड़े उतरे हैं, और ये स्कूल के मतलब किसी भी टीचर से इनको कोई शिकायत भी नहीं रही अब तक, लगातार मतलब इन्होंने मेहनत किया है। जी, इस तरह से बच्चे अगर स्कूल का नाम रोशन करते हैं, जनपद का नाम रोशन करते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या होता है? बिल्कुल सर, ये केवल ग्रीन व्यू के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के लिए इन्होंने एक मिसाल कायम की है, और बच्चे इन्हें देख के इनके नक्शे कदम पे चलेंगे। तो समझ सकते हैं आप ग्रीन व्यू के और भी टीचर्स हैं। जी सर क्या नाम है आपका? फतेह मोहम्मद जी। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बहुत प्राउड मोमेंट की बात है, ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, नॉट ओनली फॉर द ग्रीन व्यू बट फॉर द होल भदोही that he has done and reached to this milestone. बहुत कम लोग ऐसे, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, I could see that only 1% could achieve to this towering height. So it's very special moment for us also. So we have also sir heard about your school that so many students have got more than 90% in. So what about
those students, sir? We are already in contact with them. They are also trying very hard. They are also cleared multiple entrance examinations. So they are also going to get admission somewhere else. So I wish them very good luck to them. वेरी गुड सर. सो आप समझ सकते हैं कि टीचर्स भी कितने गौरवान्वित हैं. एक डिसिप्लिन के टीचर हैं जो लगातार डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे हुए हैं. ग्रीन व्यू की जो पूरी व्यवस्थाएं रहती है कि एक भी बच्चा, जैसा कि आप जानते हैं आजकल के बच्चे के कैसे होते हैं, उनका कैसा एक अलग ही भौकाल होता है, लेकिन कैसे मेंटेन किया जाता है बड़े स्कूलों में, आइए ग्रीन व्यू के डिसिप्लिन टीचर से जानते हैं. जी सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौरव है. जी गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे कि बड़ी जिम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मेंटेन करना, बच्चों में अनुशासन को देखना? जी सर, डिसिप्लिन तो फर्स्ट स्टेप है. जी. स्टार्टिंग में जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और हमने देखा है कि ऐसे बच्चे जो काबिल बच्चे होते हैं वो कोई भी शिकायत आपको नहीं देते हैं. एंड वी हैव सीन दैट आकर्ष इज अ वेरी गुड इन एवरीथिंग इन एवरी फील्ड. सो वी आर फीलिंग प्राउड. दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल अस. और इनके लिए बधाई है, और इन्होंने जिले के नाम के साथ हमारे स्कूल ग्रीन व्यू का भी नाम बहुत ऊपर ले गए. बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप सभी को. धन्यवाद.